सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुत ही लागे डार। बार बार न पाइए मानुष जन्म की मौत, बहुत पहले से सुनते आए हैं कि मानव का जीवन दुर्लभ है, वह आज मिला हुआ है। लेकिन केवल मानव का जीवन मिल जाए इतने मात्र से काम नहीं होगा। आप देखते हैं आसपास, अपने रिश्ते नाते भी देखते हैं, गांव मोहल्ले में देखते हैं, मनुष्य का जीवन तो पाए लेकिन जीवन जी रहे हैं पशु के समान। खान पान भी सही नहीं, बोली बानी भी सही नहीं, कार्य व्यवहार भी सही नहीं, वो उसी प्रकार करते हैं जैसे पशु करता है। तो फिर मानुष का जन्म मिला इतने मात्र से तो काम हुआ नहीं। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? आप कब मानेंगे कि मेरा मनुष्य का जीवन मिलना सार्थक है? या किसी व्यक्ति को आप देखें और आप कहें ये आदमी सार्थक जीवन जी रहा है। जीवन को जैसा जीना चाहिए वैसा जी रहा है। आपने कभी सोचा इस विषय पर, मेरा जीवन सार्थक कैसे बने? किसे कहते हैं, कब मानेंगे? आखिर यहां तो हम सभी अधिकतर लोग तो कभी अनुगामी न कभी अनुगामी होंगे, कभी प्रेमी है। तो कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ केवल इतना है कि हम कबीर साहब की मूर्ति बना लें या कबीर साहब का चित्र रख लें, उसकी आरती पूजा। टीचर है ना नजदीक में, इन्फेक्टेड होता है ना, थोड़ी चीज प्रभावित करती है, स्वास्थ्य सही रहता है ना, तो बड़ी बड़ी चीजें प्रभावित नहीं करती है। कवि साहब का के प्रति प्रेम, इसका क्या अर्थ है? यही कह रहा था, केवल मूर्ति बना करके उसकी पूजा करना, आरती वंदन कर लेना, ये कवि से प्रेम नहीं है। कबीर से प्रेम का मतलब है कबीर विचारों से प्रेम, कबीर के विचारों से प्रेम। क्यों? आज हम कबीर साहब को जानते कैसे हैं? क्योंकि आज तो हमारे सामने कबीर साहब जी हैं नहीं, फिर भी कबीर को जान रहे हैं। जानने का आधार क्या है? कबीर की वाणी, कबीर के विचार। कबीर के विचारों के आधार पर ही उनके विषय में चिंतन मनन होता है। तो वाणी उनके विचारों से प्रेम करना यही है कबीर से प्रेम करना। और कबीर के विचारों से प्रेम करके क्या होगा? देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं तो उसके गुण हमें आने लगते हैं। आप जिन मित्रों के साथ रहते हैं, घनिष्ठ मित्रता है, तो मित्र के गुण आप में आने लगते हैं। कहते हैं ना, संग का रंग चढ़ता है। और इसीलिए सतगुरु कबीर ने कहा भी है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि।
ओछी संगत गुरु की आठो पहर उपाधि, संगत से सुख जय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। साधु संगत साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की। अब साधु का मतलब केवल इतना नहीं मान लेना चाहिए जैसे हम लोग कपड़ा पहने हैं बस इतना ही नहीं है। साधु का बड़ा व्यापक रूप है, चाहे हम लोगों के समान कपड़े पहने हो, चाहे आप लोगों के समान कपड़े पहने हो, चाहे आपके वो घर वाला हो, घर के सदस्य हो, रिश्तेदारी में कोई हो, गांव का कोई हो, जो आपको अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दे अपने विचारों से भी और अपने जीवन से भी। उनके विचार भी अच्छे हैं और उनका जीवन भी अच्छा है, मुझे तो साधु ही मानो, साधु ही मानो। कपड़ा कोई भी पहना हो, क्योंकि हम लोगों के कपड़े पहनने वाले भी कई ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनका आचरण सही नहीं है, जिनका विचार सही नहीं है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। साधु वेश में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो गलत करते हैं। आखिर सीता का हरण रावण ने किया तो साधु का ही तो वेश बनाया था, किसका बनाया था, साधु का ही बनाया था। मेरा मतलब यह है शायद ने कहा कि संघ का प्रभाव तो भाई खाता प्रेम उनसे है तो उसका प्रभाव आ जाएगा। और इसीलिए आप संतों के से प्रेम करते हैं, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों, ताकि उनके गुण भी मेरे जीवन में आए, इसीलिए तो जाते हैं। अगर किसी आश्रम में संत आश्रम में क्या वहां मकान देखने जाते हैं, नहीं, वहां संतों से मिलने जाते हैं। और संतों से मिलने का मतलब क्या उनके शरीर से मिलना है, नहीं, उनके विचारों से तालमेल बैठाना है। जैसा उनका विचार है, जैसा उनका स्वभाव है, वैसा मेरा भी हो जाए। आखिर प्रार्थना क्या करें, गुरु से यही तो मांग करें, संत के पास जाकर के धन की मांग करें, पद की मांग करें, बाल बच्चों की मांग करें, ये सही नहीं है। सच क्या है आप मैं बताऊ ना, सच तो गुरु से यही कहो, संत से यही मांगो कि हे गुरुदेव, आपकी जो आंख है ना, आपकी जो आंख है ना, वैसी आंख मुझे भी दे दो। बस इसका मतलब जिस दृष्टि से, जिस नजरिए से दुनिया को देख रहे हो, वैसा ही देखने का ढंग मुझे मिल जाए। इसका मतलब है समझ। जिस समझ से दुनिया में रह करके जीवन जी रहे हो, कुछ तो कारण है, मैं भी किसी दुनिया में हूं लेकिन दुखी हूं, अशांत हूं, संघर्ष में हूं, और आप भी इसी दुनिया में हैं, इसके बावजूद आप प्रसन्न है, आनंदित है, शांति का भोग कर रहे हैं, कुछ तो कारण है, कुछ तो ढंग है आपका दुनिया को देखने का। वो ढंग मुझे दे दो, बस वो तरीका मुझे दे दो, ताकि मेरा भी जीवन जैसे आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, वैसा मैं भी करने लगता हूं। यही तो मांग हुई थी, मैं कह रहा था जब हम कभी विचारों से प्रेम करते हैं तो वो विचार हमारे अंतर में समाने लगते हैं, आने लगते हैं, और वे जब अंतस में समाते हैं हमारा जीवन बदलने लगता है। ख्याल करिए, आपके भीतर में अच्छे विचारों का संग्रह हो जाए, पवित्र विचारों का संग्रह हो जाए, तो आपका व्यवहार कैसे होगा, अंदर की पवित्रता, अंदर की सरलता आपके वाणी के माध्यम से निकलेगी, आपके व्यवहार में प्रकट होगी, आपकी आंखों से निकलेगी। अब मैं क्या बताऊं,
आपकी आंखों से निकलेगी, क्योंकि आंख आंख क्या है, आंख आत्मा की खिड़की है, आंख आत्मा की खिड़की है। आप जब बोलते हैं तब तो बोलते हैं, और जब नहीं बोलते हैं तब बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं। आंख से भी बोलते हैं, हाथ से भी बोलते हैं, आपका चेहरा बोलता है नहीं बोलता है, बताओ। इसको आजकल क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आजकल बड़ा इसका प्रभाव प्रचलन है। एक होता है जिसको कहते हैं बर्बल लैंग्वेज, तो दो प्रकार की भाषा होती है, एक जो हम बोल रहे हैं और एक होती है देह भाषा, जिसको मैंने कहा ना बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर बोलता है, आपका चेहरा बोलता है, और बताऊं आगे थोड़ा से, आपका कपड़ा भी बोलता है। कपड़ा बोलता है मतलब आपने किस प्रकार के कपड़े को पहनने का चुनाव किया है। देखो कपड़ा तो बाहर है लेकिन चुनाव भीतर है। चुनाव जब कहीं आपको शादी में या फिर किसी पार्टी में जाना हो तो आप अपनी अलमारी के पास जा खड़े होते हैं, इस प्रकार के कपड़ा पहनो, अच्छा किसमें सुंदर लगता हूँ, चुनाव करते हैं ना, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, चुनाव आप ही तो किए हैं। आप सादा कपड़ा पहने हैं, सहज कपड़ा पहने हैं, सौम्य और शालीन दिखने वाला कपड़ा पहने हैं या भड़काऊ पहने हैं, आप ही तो पहने हैं, आप ही तो कपड़ा बोल रहा है। और थोड़ा विस्तार करूं तो क्या है, आपका घर ही बोलता है, आपका घर बोलता है, आपका मकान बोलता है, अर्थात आपका जो शरीर है वो छोटा घर है और आपका जो घर है वो बड़ा शरीर है, बस इतना अंतर है। जैसे हम किसी के घर जाए और उसके घर जब जाते हैं तो देखते हैं कि सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, वहां कचरा वहां कचरा, जूते चप्पल इधर पड़े हुए हैं, लाठी डंडा उधर पड़े हैं, बच्चे भी देखे तो अस्त व्यस्त हैं, कपड़े साफ नहीं है, नाक कान साफ नहीं है, किचन में गए तो देखे मक्खियां भिनक रही है, साफ सुथरी नहीं है, टॉयलेट बाथरूम में गए वहां देखे वहां कैसा लगता है, क्या लगेगा, मकान बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, घर वालों को गंदगी से परहेज नहीं है, सफाई प्रेमी नहीं है, तो मकान बोल रहा है ना। लेकिन किसी के घर हम जाते हैं, मकान साफ, फर्श साफ, दीवार साफ, सामान व्यवस्थित सिस्टम से रखे गए हैं, बच्चे भी साफ सुथरे, बर्तन साफ, किचन नीट एंड क्लीन, और बाथरूम शौचालय साफ, कोई ज्यादा झंकार नहीं है, नहीं तो फिर वहां जाना, वहां सब नदी में, मतलब आप उसी घर में तो रहते हैं, कैसे रख रहे हैं अपना घर को, कैसे आपका किचन दिख रहा है, बर्तन कैसे दिख रहा है, जिस बाथरूम में जिस टॉयलेट में आपको कई बार जाना होता है कैसा दिख रहा है, साफ नहीं रख सकते, कौन करता है। तो ये चीज आपका ये बोल रहा है आप क्या है। मैंने कहा अंतस की पवित्रता फैलती है, फैलती है, आपके घर मकान तक जाती है, आपके बाल बच्चों तक जाती है, आपके पूरे क्षेत्र, आपके व्यवहार में भी, ऑफिस जाएंगे बिल्कुल आप अलग ही लगेगा, आपका बैठने का ढंग, जहां आप रहेंगे वहां आपका बिस्तर कैसा है, साफ सुथरा कैसे है, सब कुछ बताएगा। और मैंने कहा ना आपका शरीर तो ही है, मैं तो शुरुआत यहां से की थी, आंखें आत्मा की खिड़की है, आंखों से भी हम बोलते हैं और वो भीतर के भावों को प्रकट करता है। एक लेखक हुए नेपोलियन हिल, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा है जगह, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी आंखों के रास्ते से आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और
वहां छिपे हुए सर्वाधिक गुप्त विचारों को पढ़ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट होगा ठीक से, आपके आंखों के रास्ते से जा करके आपके दिल में जो छिपा हुआ विचार है उसको पढ़ लेते हैं। कैसे मैं इसको बताऊं, एक शब्द आप लोग सुने होंगे कुदृष्टि, सुने कुदृष्टि, कुदृष्टि का मतलब क्या होता है? उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, गलत है, आंखों से ठीक नहीं है, और आंखों को पढ़ने की क्षमता, आंखों को पढ़ने की योग्यता सबसे ज्यादा माता बहनों में है। ये न जाने कहां से, चाहे वो दादी नानी से ही सीखते आ जाते हैं, वो आंखों को, लोगों की आंखों को देख के जान जाते हैं कि उनकी आंखों में प्रेम है या फिर वासना है, क्या है, गलत है, कुदृष्टि। और इसीलिए कई बार सुनते हैं कि मैं माताएं करती हैं, बहनें करती हैं, उस आदमी की आंख ठीक नहीं है। इसका मतलब उनका जो देखने का ढंग है ना, इतना गलत है, इतने गलत नजरिया है कि वो भाग जाती है, गलत भाव, क्योंकि भाव प्रकट किससे हो रहा है, आंखों से, आंखों से। एक दूसरा शब्द भी सुने होंगे आप, कृपा दृष्टि, सुने ना, जिसने कहा कुदृष्टि, दूसरा शब्द क्या है, कृपा दृष्टि। जब हम अपने गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं, आपकी कृपा दृष्टि, आप एक बार देख दे हमारी ओर, जब हम बंदगी करें या उनके पास जाए तो ऐसा लगे कि हमारे एक बार देखे तो सही, उनकी आंखों से जो आशीर्वाद की किरणें निकलेंगी, वहां से जो आशीष आएगा हमारे लिए कितना कल्याणकारक होगा, उसी को कहते हैं कृपा दृष्टि। आप तो उनकी नहीं, आप एक दूसरे का नहीं दिए, क्या भाव है, भाव अलग है। इसलिए हमारे भीतर की मलिनता, हमारी भीतर की पवित्रता को प्रकट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने कहा आंख है, कपड़े हैं, आपका हेयर स्टाइल है, और आपका चेहरा तो है ही, चेहरा नहीं छुपा सकते आप, चेहरा प्रकट ही कर देगा। ये पुरानी बात सिनेमा वालों ने गाया है, लाभ छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, चेहरा बता देगा, आप छिपा नहीं सकते हैं, इससे सच्चाई प्रकट हो जाती है। इससे क्या होना है, आप अंदर कैसे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा था जब हम कबीर विचारों से प्रेम करते हैं, गुण स्थान बनाए, कबीर विचारों से जब प्रेम करते हैं तो वो विचार हमारे अंतस में समाने लग जाते हैं और फिर हमें बदलने लगते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है, हमें चाहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा हो, ऐसा हो। जैसे कभी भी एक वाणी, एक बात कहूं मैं, उन्होंने जैसे कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। अब इस पर बैठो और सोचो जरा से, शायद क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, मन ने जो आपा है ना, अहम भाव है ना, वो खो जाए। मतलब जब जब आप बोले तो आपके शब्दों में अहम न टपके, अहंकार न निकले, नहीं तो फिर आपके शब्द ही ऐसे, देखिए बात वही है ना, अंदर में जो होता है मन का वाणी से निकलती ही बसती चीज तो वही है, तो वो चीज को बचाना है। तो मैंने कहा ना थोड़ी सी कमजोरी होती है सब कुछ प्रभावित करने लगता है, और कुछ है नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसे परेशान हूँ, लेकिन हो गया है। मैं कह रहा था
कि इस पर जो सोचेंगे कि सदगुरु कबीर ने बोलने के तरीके बताए उन्हें और भी कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तबू बहरान। कितनी वाणी पर यदि बोलने लगूं तो कबीर तो पूरे पूरे उसमें इतनी सारी बातें कह दी है ना, मैं क्या बताऊं। हम लोग कबीर के अनुगामी तो हो जाते हैं लेकिन कबीर को पढ़ते नहीं है। मैं शिकायत कर रहा हूँ, निराश नहीं होंगे, ऐसा चाहिए। जैसे मैं पूछूंगी यहाँ कितने लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाथ उठाएंगे जरा, जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है। इसका मतलब 100% पढ़े लिखे लोग हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कितने लोग हैं जो रोज अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, रोज कंसिस्टेंटली। अच्छा, एक महीना में एक पुस्तक पढ़ने वाले कितने लोग हैं, एक महीना में एक पुस्तक। अच्छा, दो महीने में एक पुस्तक पढ़ने वाले। अच्छा, साल भर में कितनी पुस्तकें पढ़े हैं? क्या मैं शिकायत करने बैठा हूं? अच्छा, मेरा काम नहीं है कि आप लोगों से ऐसा कहूं कि आप लोग पढ़ें, और जब कबीर वाणी को पढ़ेंगे नहीं कबीर को समझेंगे कैसे, आप बताएं मुझे। क्यों, संत तो कभी कर मिलेंगे, आज है ना कल है ना उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद में हमारे साथ सत्संगिया वाला चला जाएगा, आप फिर वहीं वहीं रह जाएंगे। लेकिन सत्संग में मिले विचारों को आप फिर से वापस ला सकते हैं, कब, जब आप सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कबीर को समझना है तो कबीर वाणी का पढ़ना बहुत जरूरी है। साखी आज हमको कहा कबीर की 10 साखी सुनाओ ऐसा कहूं, और कबीर पंथी कब से शायद 40 साल हो गए दीक्षा दिए गुरु जी से, ऐसा है कि नहीं है? देखिए 10 साखी सुनाना सरल ही है लेकिन 10 साखी को जीना बहुत कठिन है। मैं कहता हूं पहले अच्छे विचार आए तो सही, उसके बाद उस पर हम काम करना शुरू करें, जीवन तब बदलता है। इसलिए हमें क्या करना है, जब हम कबीर के अनुगामी हैं उनकी वाणियों को आत्मसात करें, अध्ययन करें, समझें और उस पर फिर काम शुरू कर दें। अरे छोटे छोटे काम शुरू कर दें, कोई थोड़े क्या आपको कह रहा है कि आप कहा जा रहा है कि आप जंगल चले जाओ तपस्या करो ध्यान करो 3-3 4-4 घंटे, कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है आपको घर छोड़ने के लिए, कौन कह रहा है काम धंधा छोड़ने के लिए? कबीर साहब ने वही रास्ता बताया है ना, कबीर पथ का मतलब पंथ जिसे कहते हैं, पंथ माने रास्ता, पंथ पंथ तो बड़ा सटीक है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता तो बिल्कुल साफ सुथरा है, जहां ना कोई अंधविश्वास है, ना कोई भ्रम है, ना कोई जातिवादी है, ना ऊंच नीच का भाव है, ना यहाँ पर किसी के लिए कोई दुराव छिपा नहीं है, सबको अपने में समेटने वाले कबीर इतने विशाल थे ना, सबको अपने में। इसीलिए कहते हैं हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं, सब मनुष्य हैं, सुने कबीर साहब तो साफ साफ कहते हैं सब मनुष्य हैं, ये फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्या विभाजन करते हो, सब मनुष्य हैं। अब उनकी वाणी को उद्धृत नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके विचारों को जो पढ़ेगा वो सब समझ जाएंगे, मानव मानव बराबर है। अब देखिए ये जो बातें जब आने लगेगी तब मैं बड़ा वो छोटा ये भाव ही मिट जाएगा, मैं ऊंची जाती वो छोटी जाती, मैं बड़ा आदमी वो छोटा आदमी, नहीं सब समान है, सबका शरीर है और सबके भीतर तो वही परमात्मा बैठा है, वही आत्मा बैठा है। ये तो सारे के पंथ सुने होंगे ना, सब घट मेरो सानिया सुनी सेज न कोई, लेकिन तब है बलिहारी ते पुरुष की जागृत प्रकट हो। कभी साहब की और ही पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा है कि घूंघट का पट खोल दे तो वो भी मिलेंगे, घट घट ने वह साई बसतु है कट को वचन मत बोल दे। ये पंक्ति सुनी, घट घट ने वह साई बसत हुआ है, सबके घट में साई, अब सबके घट में वही आत्मा रूपी परमात्मा है, किसे कट बोलेंगे आप, किसके साथ चरण कपट करेंगे, किसको धोखा देंगे,
किसके साथ अनाचार अत्याचार करेंगे? लेकिन हम क्या मानते हैं, नहीं ये मनुष्य नहीं है। इसका मतलब हम कबीर के विचारों से विपरीत जा रहे हैं। हमारे मुंह से कटु निकल रहा है, हमारे मुंह से गाली निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं कबीर विचारों के अनुरूप जी रहा हूं? मान लो किसी ने गाली दी, मैंने भी गाली दे दी, मुझे नहीं कभी सामने वाली गाली दी, मैंने भी गाली दे दी, क्या कबीर विचारों के अनुरूप है? क्या कभी पथ में चल रहा हूं? सद्गुरु कवि ने क्या कहा है? आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहां कबीर ना उलटिए वही एक किए। इस सीख मैं इसलिए बता रहा हूं, अच्छा बड़ा सरल सरल बात है। अच्छा कबीर की वाणी में जगह जगह व्रतवासियां हैं, बहुत गुड़ है। यदि उन व्रतवासियों को छोड़ दें, गुड़ शब्दों को छोड़ दें, सरल शब्द भी इतने हैं, सरल विचार इतने हैं जिससे आपका हमारा कल्याण हो जाए। उसको अर्थ को ही जानने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अर्थ आप पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। कई साथी मैंने भी कही है, वो सारी साथियां बिल्कुल सरल, जिसमें ने भी कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरंग को शीतल करे आपको ही शीतल हो। क्या इसका अर्थ जानना जरूरी है? कितना सरल है। अभी जैसे मैंने कहा कि घट 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 में वह साईं बसतु है, कटु वचन मत बोल रहे, कितना सरल और साफ है। बस क्या करना है, अब मैं उस पर जीवन को जीवन वैसा जीना शुरू कर दूं, पर वैसा पथ पे चलने लग जाऊं, कदम बढ़ाने लग जाऊं, जीवन बदलने लग जाएगा। नहीं तो हम औपचारिक रूप से तो दीक्षा ले लिए, माला पहन लिए, संत आते हैं पूजा भी कर लेते हैं, आरती वंदन भी कर लेते हैं, इतने मात्र से कैसे काम करेगा? मान लो कबीर साहब आ जाए हमारे सामने, तो हमसे क्या अपेक्षा करेंगे? क्या यही आप गरीब पंथियों को सुलभ कल्याण हो जाएगा? ऐसा नहीं कहेंगे साहब। जीवन को ठीक एक नहीं की, वाणी ठीक एक नहीं की, विचार ठीक हुआ नहीं हुआ, सही तरीके से जी रहे हो, पवित्र आचरण है, वो लेखा जोखा मांगेंगे। क्या हम उन्हें लेखा जोखा देने लायक बने हैं? क्या उनको जवाब देने लायक बने हैं? तो पथ तो उन्होंने सही बताया, लेकिन पथ पर न चले तो दोष किसका है? ये भी साहेब की वाणी है, राह विचारी क्या करे, पंथिम चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के रहे गुजार गुजार। रास्ता क्या करेगा? रास्ता तो सही है, शत्रु कबीर हो या अन्य संत, लेकिन हम तो कबीर के विचारों के अनुसार जी रहे हैं, इसलिए कबीर पर ही फोकस करके कहें तो कबीर ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है, एक ऐसा पथ बनाया है जिस पर चलो और वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंच सकते हैं जहां आप सदगुरु पहुंचना चाहते हैं, जहां सबका लक्ष्य है। लेकिन हम उस रास्ते को छोड़कर भटके इधर उधर, बहुत जरूरी है इसको संभालना। आप स्वयं सही पथ पर चलें और अपने परिवार के बाल बच्चों को भी सही पथ पर लगाए रखें। ये आप समझने सामान्य बात नहीं समझिए इसको, क्योंकि आप भी सही पथ पर चलें। और आजकल क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आज पहले की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना ज्यादा हो गई है, हो गई है ना। पहले मुझे याद है आज से करीब 30 साल पहली बार एक बार गोरखपुर से बैठ करके मैं बिहार मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा था, और 30 साल पहले तो मेरी कहूँ तो 30 साल से ज्यादा हो सकते हैं। पहली बार मैंने देखा एक लड़का था, वो ट्रेन में अंडा बेचने आया, जैसे हम लोग साधु कपड़ा देखे थोड़ा झिझके टाइप के रहे। मैंने कहा आज पहली बार देख रहा हूँ ट्रेन में भी अंडा बेचने वाला है, सोचो बड़ी बात है। उसके पहले मैंने दीदी कर दो, उससे पहले भी मैंने बहुत सारी यात्राएं की थी, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज तो गाँव में भी लारी लगाकर ठेला करते हैं ना, ठेला लगाकर चौराहे पर खड़े हो जाते हैं
और ऐसे घरों के बच्चे भी आते हैं जिनके घर में सब चीजों को खाते भी नहीं है। क्या मैं सच कह रहा हूं? उनको कौन संभालेगा? पहले गुटका मिलता नहीं, गुटे खाते भी थे लोग, आज तो पाउच में बन के आता है, तम्बाकू भरा रहता है। और शराब की दुकान आज से 40 साल पहले छत्तीसगढ़ में थी, उससे मैं समझता हूँ 10 गुना ज्यादा बढ़ गई होगी, कितनी बढ़ गई है। और आज पहले क्या होता था, किसी किसी घर में टीवी रामायण सीरियल चला तो जानते हैं, साधु बाबा में चला गया था, छिप छिप के देखते थे, तुम्हारे साहब लोग डांटते थे बच जाओ नहीं जाएंगे भैया, देखने का मन तो करता था रामायण सीरियल में क्या है, लेकिन जाने नहीं देते थे कहीं। बहुत कम किसी किसी घर में महाभारत हुआ था, सीरियल हुआ था भी बहुत कम होता था। फिर उसके बाद में पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, शुरू शुरू में हम लोग देखे तब, फिर उसके बाद में कलर टीवी, अब घर घर टीवी, अब घर घर नहीं कहना चाहिए, सबके हाथ में टीवी। क्या मैं सच कह रहा हूँ? सबके हाथ में टीवी। और ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना कितना कठिन है। आप लगता कोई 25 साल का हो, उनसे कहो तुम अपना मोबाइल मेरे पास रख दो, छोड़ दो मोबाइल के बिना रहो एक महीना दो महीना के, क्या कहेंगे बताओ? बता देता हूँ, मैं कहना मत, आपको छोड़ सकता हूँ मोबाइल नहीं छोड़ सकता, इतना एडिक्शन है, इतनी बड़ी लत है। आप समझ रहे हैं सरल है क्या इन सबको लेकर के चलना? आप यदि संयमित जीवन नहीं जिएंगे, आपके भीतर कभी विचारों का आत्मसात नहीं होगा, तो दूसरों को भी उस पथ पर आप लगा नहीं सकते हैं। परिवार को समेट कर चलना है, अपनों को समेट कर चलना है, और सही रास्ते के लिए चलना एक बड़ी जिम्मेदारी। ये मत कहो कि केवल साधु संतों का काम है, ये महंतों का काम है, आपका भी तो काम है। आप अपने घर को नहीं संभालेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे। देखो बच्चे जब अच्छा काम करें उनकी प्रशंसा जरूर करो, लेकिन जब वो गलत करें, इसका मतलब नहीं कि प्रेम नहीं करना है, बच्चों से प्रेम करना है, लेकिन जब गलत हो तो कभी उसको कोहनी से मारने का भी हिम्मत रखो, कुछ कहो। एक उदाहरण याद आया, दिल्ली की घटना, रात में करीब 12 बजे एक घर में दरवाजे पर दस्तक हुआ, घर मालिक उठा, दरवाजा खोला, कौन है इस बात में? पुलिस अफसर और दो तीन पुलिस कर्मचारी खड़े थे, आश्चर्य, तेरे घर में पुलिस? अच्छा हाँ बताए क्यों आए हैं, क्या बात है? तो पुलिस अफसर था, उसने एक फोटो निकाला, आप इनको जानते हैं? हाँ, ये मेरे बेटा है, उन्हें हम गिरफ्तार करने आए हैं। अच्छा क्यों? ये इंडिया गेट के पास लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, और इस साथ गए होंगे साथी उनके। उसने कहा अच्छा ठीक है रुकिए मैं आता हूँ। घर गया, लड़का सोया था, उठाया उन्हें, उठाया, फिर बताया क्या ऐसी बात है, सब ये लड़का पिता बोल रहा था, लड़का सिर झुकाए सुन रहा था, पिता समझ नहीं गलती की है। बाहर आया, पुलिस से कहा, अफसर से, मेरे बेटे को गिरफ्तार करना, और मेरे बेटे को ठीक से पिटाई करिए ताकि वो अगली बार ऐसी हरकत करना छोड़ दे। सबक सिखाना भी सीखे। और हम लोग बताऊ क्या करते, 5,000 दे दे मेरे बेटे को छोड़ दो, क्या मैं सही कह रहा हूं? कौन सिखाएगा? केवल धार्मिक पोशाक पहनना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन धार्मिक बने, जीवन कुछ ऐसा स्टाइल दे, ऐसा लाइफ स्टाइल, ऐसा तरीका अपनाए कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, हमारे परिवार में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जम जाए, एक दूसरे को देखकर भी खुश रहने लग जाए। ये कैसे होगा जब आप बदलेंगे तब तो। और मैंने कहा शिकायत ईश्वर कहो भले कहो, शिकायत करते थे साहब आप करके कर करके, लेकिन मैं सच कहता हूं जब आप कभी वाणी को नहीं पढ़ेंगे
कभी वाणी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगा तो फिर आप जीवन की दशा दिशा को कैसे सही कर सकते हैं, किस रास्ते पर जाना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ बैठना किसके साथ नहीं बैठना, कैसे व्यवहार करना, कितनी सफाई स्वच्छता कौन करेगा इन सब कामों को, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। जो बता देगा कोई दूसरा मतलब आया ऐसा है वैसा है, कुछ टंकना दिखाया चमत्कार दिखाया, हाँ बिल्कुल सही है, आप वहां भटक जाएंगे। क्यों? आपको तो अपने विचारों को कभी विचारों से कभी असहमत बना ही नहीं है, तो जो कोई भी आकर के आपको हटा देगा, यहाँ तक कोई से ढूंढी हो जाने वाला आएगा, अरे हाँ सही सही, कोई आएगा तारीफ बना देगा, कोई आएगा रोटी बना देगा, बस मतलब हम क्या है, मतलब सही ढंग से जिस दिन हम कभी विचारों को समझ लेंगे हमें कोई भटकाने वाला नहीं आएगा, बल्कि जो भटकाने वाले आएंगे ना उन्हें हम ठीक से बता देंगे, तुम सही रास्ता कर लो, हम तो सही रास्ते पर ही हैं, हमें नहीं भटका सकते, हम स्वयं अस्थिर हैं, स्वयं डगमगा रहे हैं, हमें चाहिए बाहर वहां जाकर उस दिन में जाऊं, वहां जाकर स्नान कर लूं, उस देवी देवता को मना लूं, उस भगवान को मना लूं, क्यों कभी नहीं है, किस देवी देवता को मनाया बताइए मुझे, कभी नहीं, किसके सामने जाकर उसने पूजा की है, किसकी वंदना गाई है, एक नाम बता दीजिए जिसकी उन्होंने वंदना गाई है, संतों के लिए कहा है, संत मान तो सूरज होई जो काल मां से वाचा होई, संतों के लिए कहा है, लेकिन किसी देवी देवता किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा उन्होंने वंदना की है, कहां की है, उन्होंने साफ कहा है, कर गैया बल आपने छाड़ मिलाने नाश, जाके आनंद नदिया वह सुख स्मरण प्यास, आप यहां है, क्या आप यहां है और आपका सुख कहीं बाहर है, आप यहां है और आपका सत्य आपसे अलग है, आप यहां है और आपका परमात्मा आपसे अलग है, आप यहां है और आपकी शांति आपसे अलग है, और क्या उसको आप ला सकते हैं, अलग से वहां शांति रखी है उसको लाना पड़ेगा, जैसे अभी दुर्गा और गणेश की पूजा हुई तो दुर्गा कहीं अलग बनी थी, गणेश कहीं अलग बना था, गए प्रकार करके लाए और स्थापित किए, क्या वैसे ही शांति या सत्य या परमात्मा अलग है उसको लाना पड़ेगा भीतर में, सदगुरु कवि ने क्या कहा, वो बाहर नहीं है, सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मोक्ष को छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास, सुख ढूंढ रहे हो बाहर, कहां सुख ढूंढ रहे हो, कहां शांति ढूंढ रहे हो, कहां परमात्मा ढूंढ रहे हो, यही तो सहदेव वाणी है, पानी में नीम प्यासी, याद है कि नहीं है, सुन लेना भजन गाने वाले भाई आए हैं बहुत अच्छा गाते हैं, पानी में नीम प्यासी मैं सुन सुन आवे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा नहीं प्यासी, कितनी अच्छी बात कहते हैं सभी कभी, लेकिन इन पदों से इन विचारों से हम आत्मसात किए नहीं, इसे तालमेल बैठाया नहीं है, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे भरा पड़ा है भरा, मतलब किसी के घर में खजाना हो और वो बाहर जाकर के भीख मांगे, यही तो है ना, कबीर विचारों में खजाना भरा है और हम भटक रहे हैं, तो दुआ कभी कर दो, कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ ये कर दो, क्यों गरीब बने हुए हो, सदगुरु कबीर ने हमें सम्राट बनाया है, सब कुछ दिया है, यदि सही कहा जाए ना, यदि उन विचारों को हम पढ़ सके और जीवन देखो पढ़ना और साथ साथ में प्रयोग शुरू करना, प्रयोग शुरू करना, बैठ करके थोड़ा सोचो सचमुच मैं कैसे बदलूं जीवन को, मेरे शब्दों में कैसे परिवर्तन आए, कभी कभी मेरे शब्द जो है वो कटु हो जाते हैं, कभी कभी उत्तेजक हो जाते हैं, कभी कभी मैं झुंझला जाता हूँ, कभी कभी क्रोध कर बैठता हूँ, क्या यही तरीका है सही जीवन जीने का, इसका और भी तो तरीका है, देखिए हर काम के एक सही तरीका होता है गलत तरीका होता है, होता है नहीं होता है,
भोजन बनाने का एक सही तरीका, गलत तरीका, कोई भी काम करो एक सही तरीका एक गलत तरीका, जीवन जीने का भी एक सही तरीका है और एक गलत तरीका है। यदि हमारे जीवन में कुछ गलतियां हैं तो क्या हमें सुधार करके सही तरीका नहीं अपना लेना चाहिए? कौन अपनाएगा इसको? कौन आएगा आशीर्वाद देने के लिए? कौन आएगा सहयोग करने के लिए? आपके जीवन को बदलने के लिए इसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आ जाएगा तो मैं जीवन बदलूं, इसी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन आएगा? मैं एक चीज बताऊं अभी आपको, आपके जीवन को बदलने के लिए कोई आने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा ठीक से काम को करके सुन लेंगे, आपके जीवन को बदलने के लिए कोई आने वाला नहीं है, आपको ही अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। और सुंदर तरीके से जी सकते, और इसीलिए मैंने शुरू क्या कहा था, मानुष जन्म दुर्लभ है, सदगुरु कवि ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काज, हार न होते आवरण प्रसन्न बाजन बा, तेरे गुण बड़े हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, मांस काम नहीं आता है। अरे कई ऐसे पशु पक्षी जिसके मांस भी काम आ जाते हैं, हाड़ न होते आवरण, इस हड्डी इसके हड्डी के कोई सहारा नहीं बनता है, और त्वचा न बाजन बार, आपकी जो चमड़ी है ना इसको निकाल करके बाजा भी नहीं बनते हैं, ऐसे है ना, ऐसे पशु है जिसके चमड़ी के बाजा बनते हैं, हड्डियों के आभूषण बनते हैं, लेकिन और आप हमारे नहीं है। लेकिन क्या हुआ, हमारा शरीर बलवान नहीं है, हमारे पास में एक शक्ति है, वो क्या है, मन की शक्ति, पानी की शक्ति, जो दूसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है, और इसीलिए हम विकास करते चले जा रहे हैं, अन्य पशु पक्षी विकास नहीं कर पा रहे हैं। बंदर आज से 1000 साल पहले पेड़ों पर रहते थे, आज भी पेड़ों पर रहते हैं, और आगे मकान बना लेंगे, इधर मकान बना पाएंगे कभी, क्या मोबाइल कभी खोल पाएंगे? बंदर ये अपने साथी चेहरा हो, कहाँ हो, जरा इधर आ जाओ, बंदर कभी भी विकास नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य विकास करता चला जा रहा है। ये विकास केवल बाहर का ना हो, भीतर का भी हो, भीतर भी विकास करे, भीतर भी शांति विकसित हो, भीतर भी पवित्रता विकसित हो, इसके लिए खुद को बदलना होगा, जीवन को सुंदर बनाना होगा, बहुत मूल्यवान जीवन बना है। देखिए जो लोग इन बातों को नहीं जानते और वो गलती करते हैं, कुछ हम ही हैं, लेकिन हम जानते हैं इसके बावजूद गलती करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा यहाँ आ जाए और नाचने लगे, कूदने लगे, और कहीं वो पेशाब भी कर दे, हम लोग क्या कहेंगे, छोटा बच्चा है, कहेंगे नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे कोई उठ करके यहाँ पर वही गलती करने लग जाए तब, समझदार आदमी हो करके क्या कर रहे हो तुम, इस पवित्र स्थल पर जहाँ सत्संग हो रहा है वहां नहीं हरकत, इतनी बड़ी गलती क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे। जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े हैं, जो लोग संतों के संपर्क में नहीं है, यदि उनके जीवन में गलतियां होती हैं तो इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, सही रास्ता क्या है, करीब तपस क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए वो गलत करते हैं। और हमें पता है, हमें पता है, हम सब जानते हैं, इसके बावजूद गलत करते हैं, तब सदगुरु कवि ने क्या कहा है ऐसे लोगों के लिए, जान बूझ जो कपट करत है तेहिए संबंध न कोई, कहा ही कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन दिली होई। ये पंक्ति देखिए कितना विदग्धात्मक है, जान बूझ जो कपट करत है, एक आदमी है जो सोया हुआ है, गहरी नींद में है, उसको जगाना सरल है, और एक दूसरा आदमी है जो सोया है लेकिन नींद तो नहीं लगी है, लेकिन सोने का नकल कर रहा है, उसको जगाना, बताओ उसको जगाना कठिन है ना, सोए हुए को जगाना सरल है, लेकिन जाग करके जो सोने की नकल कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है, और जाग भी जाएगा चिढ़ जाएगा वो,
इसी प्रकार से एक अज्ञानी को जगाना चेताना सरल है, लेकिन ज्ञानी को, हम सबको ज्ञानी बैठे हैं ना, हम सबको सत्संगी बैठे हैं और फिर भी गलती वही दोहरा रहे हैं। यदि इसके सत्संग के मूल्य को न जानते, सतगुरु सदाचार के मूल्य को न जानते, तब तो गलती छंदी थी। लेकिन हम जानते हैं, पवित्र जीवन के महत्व को जानते हैं, सत्संग के महत्व को जानते हैं, स्वाध्याय के महत्व को जानते हैं, ध्यान चिंतन के महत्व को जानते हैं, शांति के महत्व को जानते हैं, प्रेम के महत्व को जानते हैं, भक्ति के महत्व को जानते हैं, त्याग वैराग्य के महत्व को जानते हैं, फिर भी इसकी अवहेलना। हमसे बड़ी गलती किससे होगी? एक कहानी याद आई, एक कुम्हार था, गधा था उसके पास। गधा को चराने ले गए शाम के टाइम में, नदी किनारे ले गया। शाम का सूरज अस्त होने वाला था, उसकी किरणें आ रही थी, तो नदी की मिट्टी तो धसी हुई थी। वहीं पर देखा वो एक पत्थर चमक रहा है, सूर्य की किरणें पड़ गई, पत्थर में चमक आ गई और उसको मिट्टी से निकला, साफ किया, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया चमक गई पत्थर में तो। और उसने अब क्या किया, उसको ऐसे रस्सी से ठीक से बांधा और बांध करके क्या किया, गधे के गले में पहना दिया, क्योंकि गधे से प्रेम था, तो जिससे प्रेम करो उसी तो अच्छी चीज दे। उसको गधे के गले में माला टाइप का पहना दिया, जिससे हम लोग कंठी पहनते हैं वैसे, और घर लौटने लगा। एक आदमी आ रहा था जो उसके बारे में जानता था, उस पत्थर को कहना कि जरूरी था। उसने कहा, ये पत्थर ये कहाँ पाया है, ये सामान्य पत्थर तो है नहीं, इतनी चमक है इसमें। उसने कहा, अरे गधे को क्या पहना है वो? उसने कहा कि अरे भाई, वो नदी किनारे मिल गया था, उसको बना दिया मैं, अच्छा लगा मुझे। वो जान गया इसको पता नहीं है पत्थर के बारे में। फिर उसने कहा, ऐसा अच्छा एक काम करो, वो पत्थर मुझे दे दो, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा कि अच्छा, मैं 10 रुपये देता हूँ, तुम दे दो। नहीं देने वाला हूँ मैं, जिसे प्रेम करता हूँ उनको पहनाया हूँ, मैं प्रेम को नहीं बेचूंगा। अच्छा ठीक है, ये सोचा जरूरी नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में घर निकल जाऊंगा, जहाँ रहता है उसके घर जाऊंगा, 100 रुपये देकर ले लूंगा, क्या चीज है, 100 रुपये की मिलो बड़ी बात इसके लिए। वो चला गया, तो धीरे धीरे घर की ओर चला गया, गधा लेकर के। घर के दरवाजे के ठीक पहले दूसरा जमाने मिल गया। उफ, इतनी कीमती हीरा है, कहाँ से आए? उसने अंदर से कहा, सुनो सुनो सुनो, वो पत्थर जो रिटायरमेंट करके गले को मुझे दे दो। अरे नहीं दूंगा, अरे दे दो भाई, वो खाकर चला गया। 1000 रुपये सीधा निकाला, उनके हाथ में थमा दिया। बेचारे 1000 रुपये जीवन में पाया भी नहीं था वो। लिया 1000, उसने कहा बिल्कुल, और तुरंत उठाकर दे दिया। 7-8 बजे उसे पहले वाला जरूरी था, वो घूम कर उसके घर में आया, चलो पत्थर को ले लेता हूँ, वो रोड टिंगी ही रहा है। उसने कहा, सुनो वो जो गधे के गले में लटका है पत्थर ना, उसको दे दो। अरे 100 रुपये ले लो, तुम 100 रुपये ले लो। उसने कहा, नहीं वो तो नहीं किया, ले लिया कोई, कौन ले लिया, अच्छा कितने लिया, 1000 रुपये में। ओ तुम लुटा गए, ठगा गए, तुम बेवकूफ हो, बहुत कीमती हीरा था, करोड़ों की कीमत उसके मूल्यवान था, 1,00,000 रुपये उसकी कीमत थे, पर तुम कैसे लुटा गए, तुम ठगा गए। तुम्हारे क्या कहा, अच्छा बताइए, मैं ठगाया कि आप ठगाया? मैं तो उसको जानता ही नहीं था कि कौन सा पत्थर है, और मेरे लिए 1000 रुपया का मिलना बड़ी बात है। आप जानते थे कि वो लाखों की हीरा है, फिर 10 रुपये कीमत कैसे लगा रहे थे? मूर्ख कौन है, कौन है मूर्ख? वह तो नहीं जानता, या वह जो जानता है फिर भी अवहेलना करता है? आपने इसको लाखों की हीरा को 10 रुपये मांग कर कितनी बड़ी अवहेलना की थी। आप धोखा खाए, ऐसे ही हम लोग हैं जो जान बूझ करके इसकी अवहेलना करते हैं, सत्य की अवहेलना करते हैं, भक्ति की अवहेलना अवहेलना करते हैं, सुंदर जीवन की अवहेलना करते हैं। नहीं, आज सुधरने का अवसर है, आज बदलने का अवसर है, हम अपने जीवन को बदलें और एक सुंदर जीवन जीने का संकल्प करें, निर्णय करें। देखो जीवन बदलने लगेगा, बहुत सुंदर जीवन हो सकता है। जिस जीवन में दुख और अशांति का अनुभव हो रहा है, इसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा कैसे कर सकते हैं,
कौन सा तरीका अपनाए, कैसे बदलाव करें, कल इस पर चर्चा की जाए। आज नहीं कहता हूँ, आज इतना ही, आज तो भूल गया थी, कल हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि शत्रु जीवन में ऐसे कौन सा तरीका अपनाए जिससे हमारा जीवन आनंद का अनुभव करने लग जाए, शांति का अनुभव करने लग जाए। क्या बदलाव करें, बिना घर छोड़े, बिना कपड़ा बदले, बिना परिवार छोड़े, जहां है वहीं कैसे बदलाव करें कि हमारे जीवन में वह अनुभव होने लग जाए जो हम जीवन में चाहते हैं।